अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम कादिर। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। इस वक्त सिंध की आवाम को क्या मसाइल दरकार हैं, सूबाई हुकूमत उनके इदारे किस तरह काम कर रहे हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम आवाम के मसाइल में। आज हम बात करेंगे बल्दिया सिंजोरों की कारकर्दगी के हवाले से। क्या बल्दिया सिंजोरों की आवाम को बुनियादी सहूलत फराहम कर पा रही है या नहीं, इस पर बात करते हैं मज़ीद हमारे स्टाफ रिपोर्टर अशफाक सुलेर से। जी अशफाक जी, कादर आपकी बहुत मेहरबानी। इस वक्त नेशनल न्यूज़ पर हम जो इस वक्त सिंध के इश्यूज़ पर बात जो कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर सिंध में बसने वाली जो आवाम है उसके जो बुनियादी सोते हैं उनको हाईलाइट ज़्यादा किया जाए। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त जो प्रॉब्लम है पूरे सिंध के अंदर वो यहाँ पे ये यह कि यहाँ पर जितने भी सियासी तौर पर यहाँ पर अफसर जो तैनात किए गए हैं वो जो है उनको मीडिया टॉक के हवाले से, मीडिया पे मौका देने के हवाले से उन पर पाबंदी है, जिसके बिना से उनको बड़ा एक रिलीफ मिलता है अफसरान को कि हमें जो है वो सूबा हुकूमत की जानिब से नोटिफाइड किया गया कि आप जो है मीडिया पर बात नहीं कर सकते, आप किस तरह का मौका नहीं दे पाते। बर्जात की बात करने हैं तो इस वक्त पूरे सिंध के अंदर जो बर्जाती अदारे हैं उनके जो सूरत हाल है वो तबाह हाल है। आप देख रहे हैं कि मुसलसल कराची के अंदर जो है वो इत्तेजाज हो रहा है, वहाँ पर हुक्मरान पार्टी जो है वो दावे कर रही है कि वो बहुत सारे वहाँ पे काम करवाए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर नाले उभर रहे हैं, वहाँ पर सफाई का निज़ाम जो है धर्म भरा में सुप्रीम कोर्ट को जो है वो बाकायदा वहाँ पर अमल दाखिल करना पड़ता है, वहाँ काम जारी करने पड़ते हैं। अगर आप पूरे सिंध की अगर बात कर रहे हैं आप तो इस वक्त सुनता नहीं है कि पूरे सिंध के अंदर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के यहाँ पर अपॉइंटमेंट किए हुए हैं, जबकि CAMO जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो वहाँ के लोकल जो सियासतदान होते हैं या टिकट होल्डर होते हैं पीपल्स पार्टी के, उनकी जानिब से वहाँ पर वो नामजद किए जाते हैं, जबकि उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर है CMO पर, जिसकी बिना पर वो ड्यूटी पे नहीं आते, उस दिन एक ही रोज़ जो है वो ड्यूटी पे आते हैं, जब आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उनको बटन आ जाता है, बहुत ज़्यादा उनका वजन होता है सियासी लोगों का, उनके फरमाइशें बहुत ज़्यादा हैं। जबकि दूसरी जानब अगर आप देख लें कि उनके जो फंड्स हैं, फंड्स उनके वही जो पुराने फंड्स हैं वही फंड्स उनके हैं, और फंड्स की बिना पर जहाँ पर जो सूरत हाल ये कि कम फंड्स के बिना पर जो अपार्टमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बाजार में कर दी गई हैं, वाइट कॉलर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर भर्ती कर दी गई, सियासी बनाजों पर जिनके लिए कई बार यहाँ पर उनको निकालने की बात भी की जा रही है और कई तबाह कहा जा रहा है कि तनख्वाही भी रोक दी जाती है, वाइट कॉलर जो है वो ड्यूटी सर अंजाम होते हैं। अब बात करें कारगर संजोरों की, अगर ओवरऑल बात कर लीजिए पूरे सिंध की, पूरे सिंध के बाजार की सूचना ये है, अगर हम अपने ज़िले की बात करते हैं, सांगढ़ की बात कर लेते हैं, तो सांगढ़ के अंदर भी जाहिर है जहाँ पर भी जितने भी आपके यहाँ पे टोल कमेटीज़ की बात कर रहे हैं, म्यूनसिपल कमेटीज़ की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पर जितने भी आपके यहाँ पे यूनियन काउंसिल की बात कर लीजिए, इस वक्त सांगढ़ की नागरिक को मैं बता चलूँ कि बर्जात की जो सांगढ़ की जो सूरत है उसको आपको रोश डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तो आवाम को इस चीज़ को पता होगा कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। सांगढ़ की जो आबादी है वो तकरीबन जो है 24 लाख से ज़्यादा की यहाँ पर आबादी है, 25,000 पर जो है यूनियन काउंसिल पॉपुलेशन पर बनाई जाती है। सांगढ़ के अंदर इस वक्त ये है कि सांगढ़ के अंदर म्यूनसिपल कमेटी है, संजोरों में म्यूनसिपल कमेटी है, किपरो के अंदर म्यूनसिपल कमेटी है, उसके अलावा शिदादपुर और टंडो आलम में म्यूनसिपल कमेटी है, बाकी जो 18 यहाँ पे टाउन कमेटियाँ हैं जिसके अंदर टंडो मिठा खान के अंदर टाउन कमेटी है, आपकी कंडियारी में टाउन कमेटी है, इसी तरह से आप खंडरों के अंदर टाउन कमेटी है, शाहपुर उसके अलावा शाहपुर चाकर के अंदर टाउन कमेटी है, जोर के अंदर टाउन कमेटी है, जहाँ नवाज अली जो है वहाँ पर टाउन कमेटी, बहरानी के अंदर टाउन कमेटी है, बहुत सारी तकरीबन यहाँ पर 18 से ज़्यादा यहाँ पर टाउन कमेटियाँ हैं, उसके अलावा यहाँ पे 55 यूनियन काउंसिल, तमाम के तमाम अगर अफसरान की अगर आप बात कर लें, म्यूनसिपल कमेटी की अगर अफसरान की आप बात कर लें तो यहाँ पर पूरे सांगढ़ के अंदर जो 5 या 6 जो म्यूनसिपल कमेटी हैं वहाँ पे जितने भी CMO लगाए गए हैं वो तमाम के तमाम जो है वहाँ पे पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स के नामजद हैं, उनकी फरमाइश पर लगाए गए हैं, या फिर जो वहाँ पर जो MNAs MPs हैं या वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी फरमाइश पर लगाए गए हैं। जाहिर है जब आप अफसरान को आप तैनात करेंगे सियासी बनातों पर करेंगे तो वह आवाम से उनका ना लेना ना देना, तो आपके वो मसाइल क्यों हल करें। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटर्स की अगर आप बात करें तो यहाँ पर सांगढ़ के अंदर जितने भी म्यूनसिपल कमेटियाँ आप देख लें, वहाँ की सूचना ये है कि वहाँ पर जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर लगे वो
उन्होंने वहाँ पे काम नहीं किया। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सांगढ़ की अगर आप सुनकर देख रहे तो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है डिप्टी कमिश्नर सांगढ़ है, वहाँ पर अभी तक अगर देखा जाए तो 1 अगस्त को भी जो मूव नहीं हुआ है, काम भी वहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि वो रह वो नहीं चाहते कि वो यहाँ पर काम करें। फिर सियासी लोगों का बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो अमल दाखिल है, सियासी लोगों की बहुत ज़्यादा यहाँ पर मदाखलत होती है। इसी तरह से जब CMO अपॉइंटमेंट होता है तो उसको कहा तो जाता है कि गैर सियासी है, लेकिन सियासी वो नहीं होता, क्योंकि वो जवाब दे टिकट होल्डर को होता है, वो जवाब दे वहाँ के MNA को होता है, वो वहाँ के पीपल्स पार्टी का जो भी स्टेक होल्डर होता है वो उसको वहाँ पे जवाब देता है। इसी तरह से अगर आप बात कर रहे हैं संजोरों की, तो संजोरों के यहाँ पे काट वाइट कॉलर जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपॉइंटमेंट कर दिए गए हैं, जो कि काम नहीं कर पाते। क्यों नहीं काम करते, क्योंकि वो सियासी बनाकों पर इससे पहले जो CMO थे उन्होंने यहाँ पे अपॉइंटमेंट कर दिए, उसी CMO है इस तरह से CMO ने जानब से पैसों के एवज जो है वो वहाँ पे वाइट कॉलर जो बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट कर दिए गए वो जो काम नहीं कर रहे हैं। इस वक्त संजोरों के अंदर जो किस्त की अगर बात करी जाए तो इतनी जो पैसे आते हैं उतने कम पैसे आते हैं कि उतना सौ में पूरे हो जाते हैं। जब तनख्वाह में पूरे हो जाएंगे CMO कहाँ से काम करेंगे? CMO पर बहुत सारी डिमांड्स होती हैं, बहुत सारी उस पर चीज़ें होती हैं कि आपने फलाने बंदे के कहने पर काम करना है, फलाने बंदे को आपने तरजीह देनी है, फलाने बंदे जो कहेगा वो आपने करना है। तो लोगों की फरमाइशें बहुत होती हैं, डिमांड्स बहुत होती हैं, वो डिमांड्स पूरी करना CMO के बस की बात है, क्योंकि CMO के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर होता है। अगर वो CMO अगर उसकी फरमाइश पूरी करेगा तो एडमिनिस्ट्रेटर की फरमाइश भी पूरी करेगा। इस तरह से वो चैन जो है वो करप्शन की शुरू हो जाती है, जिसके बिना पर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कोशिश करता है कि किसी तरह की नजायज बिल ना हो। और CMO चाहता है बगैर जब आप बिल नहीं करेंगे CMO कहाँ से डिमांड्स पूरी करेगा, कैसे वो चलेगा? इसलिए CMO जो होता है वो सिर्फ 1 दिन के लिए आता है और 1 दिन के बाद वो वापस जो कोशिश करता है कि दूसरे महीने उसको ट्रांसफर हो जाए। जिस वक्त संजोरों के अंदर आपका जो CMO अपने अपॉइंटमेंट तो कर दिया सियासी बनाकों पर, राणा प्रसाद राजपूत साहब की फरमाइश पर जहाँ पे तो एडमिनिस्ट्रेटर CMO लगा हुआ है, जाहिर है उसकी निगरानी करने के लिए भी बहुत से राणे यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन उसके पास फंड्स नहीं है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जिसके बिना पर वो जो है वो खुद यहाँ पर ट्रांसफर कराने के मूड में किस तरह उनका ट्रांसफर हो जाए, किस तरह उनको रिलीज कर दिया जाए, जिसके बिना पर उनकी अदम दिलचस्पी के बिना पर आप देख सकते हैं कि संजोरों के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अफसरान नहीं आते, वाइट कॉलर जो है वो नहीं आते, उसके बिना पर आप देखेंगे संजोरों के अंदर गंदगी जो है जगह जगह आपको ढेर नजर आएंगे। और जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं AC जो हैं यहाँ के, वो भी ज़्यादा क्या करें, उनके पास अपना रेवेन्यू डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर उनको BC की मीटिंग भी अटेंड करना पड़ती है, पोलियो को भी अटेंड करना है, और भी इस वक्त कोरोना जो आ रहा है उसको भी अटेंड करना, बहुत सारी चीज़ें जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ये अशफाक हमारे नाजरीन को बताएं, क्या बल्दिया में सियासत का किस हद तक अमल दखल है? ये कारण मैंने जैसे पहले आपको तफसील से चीज़ें बता दी कि सिंध के अंदर जितने भी बल्दियाती अदारे हैं, यूनियन काउंसिल्स जितनी हैं, जितने आपके टाउन कमेटियाँ हैं, जितनी आपकी म्यूनसिपल कमेटियाँ हैं, यहाँ पर जितने भी लोग अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वो तमाम के तमाम इस वक्त ज़्यादा के 13 साल है पीपल्स पार्टी का हुकूमत है, पीपल्स पार्टी का MNA, पीपल्स पार्टी का MPA, पीपल्स पार्टी का टिकट होल्डर, उनकी फरमाइश पर यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। इस वक्त सांगढ़ के अंदर 53 यूनियन काउंसिल हैं, 53 यूनियन काउंसिल के जो सेक्रेटरीज जो यूनियन काउंसिल्स के हैं उनकी तादाद जो कि तमाम के तमाम ज़्यादातर सेक्रेटरी जो हैं वो उनका ताल्लुक जो है दूसरे फरोज दादू और लाटाना और बिगर ज़िला से है, वो यहाँ के मकामी नहीं हैं। और एक सेक्रेटरी को जो है वो 5 से लेकर 6 यूनियन काउंसिल दे दी गई हैं, उनका काम चल रहा है कि वो 1 तारीख को आएंगे, उनके हाथ में जो चेक दे दिया जाएगा वो चेक पे साइन करेंगे, उसके अलावा सेक्रेटरी को बिल्कुल आज़ादी है वो अपने घर पे बैठकर तनख्वाह ले, लेकिन वो बाउंड है पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर का, वो बाउंड है टिकट पीपल्स पार्टी के MPA MNA का कि वो उनको चेक लेकर देगा, उसके जितने भी फंड्स होंगे वो सेक्रेटरी के अंदर पावर नहीं है कि उसको यूटिलाइज कर सकें। यही हाल टाउन कमेटियों का, यही हाल म्यूनसिपल कमेटी का है, जहाँ पर अफसरान को तैनात कर दिए गए, एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिए गए, लेकिन उन पर इतना प्रेशर है, CMO हाउस से इतना प्रेशर है, उनका पीपल्स पार्टी होल्डर्स तो टिकट होल्डर्स का इतना प्रेशर है कि वो कुछ भी नहीं कर पाते। यहाँ पर जो भी कुछ करना है वो यहाँ के टिकट होल्डर पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स ने करना है, क्योंकि तो इसको जो म्यूनसिपल कमेटी का फंड्स हैं, टाउन कमेटी के फंड्स हैं, यूनियन काउंसिल के फंड्स हैं, उनको पीपल्स पार्टी जो है सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है, सियासी वोट के तौर पर इस्तेमाल कर रही है और सियासी मकासद के लिए उसको इस्तेमाल कर रही है। फिर आवाम को रिलीफ कौन देगा? क्या आवाम भी सियासी है? जी कल आपने बिल्कुल सही कहा कि शुद्ध आवाम को रिलीफ की अगर आप बात करें तो रिलीफ तो आवाम को है नहीं,
तो भी यहाँ पर जैसे मैंने पहले कहा कि अगर भगया क्या बात करें, कृष्ण की बात करें, कृष्ण के जो सूत्र है, तो आप सांगर की क्यों बात करते हैं, संदोरों की क्यों बात करते हैं, कृष्ण की जो सूत्र है, तो आप कृष्ण का आप देख लेंगे वहाँ पे जितने भी भगया गारे हैं, तो उसके जो तमाम के तमाम जो फंड है वो उसके वहाँ का सी एम ओ का अख्तियार ही नहीं कि वो फंड को इस्तेमाल कर सके, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को अख्तियार ही नहीं है कि वो वहाँ के फंड इस्तेमाल कर सके, क्योंकि फंड तो जहर है वहाँ के टिकट होल्डर हैं या पीपल्स पार्टी के एम एन है, एम पी हैं, जो भी हैं, वो अपने सियासी मकासद के इस्तेमाल करें, वो सियासी तौर पर वो उसको वहाँ पे अपने हल्कों में उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, उसका फायदा आने वाले जिनको ज़्यादा इलेक्शन के हवाले से वो उठाएंगे, आवाम को ज़ाहिर है कि मजबूर है अगर उसको कोई काम कराना है तो पीपल्स पार्टी का टिकट होल्डर, पीपल्स पार्टी के एम पी, टिकट पीपल्स पार्टी का स्टेट होल्डर की तरफ जाएगा, उससे मांगेगा तो आवाम को रिलीफ मिलेगा, नहीं तो जो इस वक्त सूट आप घरों के अंदर देख रहे हैं, गलियों के अंदर देख रहे हैं, सूट आप देख रहे हैं आपके अंदर दफातर के अंदर कोई वहाँ पे ऑफिसर आने को तैयार नहीं है, अगर जो कह दिया जाए कि पूरे ज़िले के अंदर जितने भी अफसर तैनात हैं वो तमाम के तमाम सियासी हैं, कोई पीपल्स पार्टी का एम एन ए का बंदा है, कोई एम पी का है, कोई टिकट होल्डर का है, यहाँ पर तो कोई सियासी ना तो अफसरान है और ना यहाँ पे बलजाती मराबीन है यहाँ पर और ना ही आवाम के। जी नाज़रीन, यूँ तो सिंध के बहुत सारे मसाइल हैं, उनमें से हमने आज बात की थी बल्दिया शहर सिंजोरो के हवाले से। अगले प्रोग्राम तक हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।